नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल टेक्नो बैंकिंग में। दोस्तों NPCI यानी कि नेशनल पेमेंट्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया ने इंडिया के सभी बैंकों, चाहे वो पब्लिक सेक्टर का बैंक हो या फिर प्राइवेट सेक्टर का बैंक हो, इसके अतिरिक्त सभी प्रकार के थर्ड पार्टी UPI एप्लीकेशन जो कि प्रेजेंट टाइम में इंडिया में कार्यरत है, जैसे कि गूगल पे, फोन पे, पेटीएम, अमेजॉन पे, इसके अतिरिक्त और भी जितने थर्ड पार्टी UPI एप्लीकेशन प्रेजेंट टाइम में कर रहे हैं, तो उनको निर्देश दिया है कि ऐसे सभी UPI ID जो कि पिछले एक साल से निष्क्रिय, यानी कि पिछले एक साल के अंदर उस UPI ID के थ्रू कोई भी एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ, उनको पूरी तरीके से परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया जाए। तो भाई, अगर आप लोगों का भी ऐसा कोई UPI ID है जिसके थ्रू आप लोगों ने पिछले एक साल में एक भी सिंगल ट्रांजेक्शन नहीं किया, चाहे वो डेबिट का या फिर क्रेडिट का, यानी कि आपके UPI ID के थ्रू कोई भी पैसा रिसीव नहीं हुआ है या फिर आपने कोई पेमेंट नहीं किया है, चाहे स्कैन QR कोड को स्कैन करके, चाहे UPI ID के थ्रू या फिर मोबाइल नंबर के थ्रू, मतलब कि आपने अपनी UPI ID का इस्तेमाल पिछले एक साल के अंदर नहीं किया है, तो 31 दिसंबर 2023 ये एक डेडलाइन दी गई, याद रख लीजिए 31 दिसंबर 2023 के पहले आप लोग को एक सिंगल ट्रांजेक्शन कर लेना है, नहीं तो फिर 1 जनवरी 2024 से आप लोग अपने उस पर्टिकुलर UPI ID को यूज नहीं कर पाओगे। बैंक या फिर जो भी थर्ड पार्टी UPI एप्लीकेशन में आपने UPI ID बनाया होगा उसके द्वारा ही आपका UPI ID परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया जाएगा। ओके, तो इस चीज का आप लोग जरूर ख्याल रखें। हालांकि NPCI ने ये साफ साफ सभी बैंकों और थर्ड पार्टी UPI एप्लीकेशन को निर्देश दिया है कि किसी भी कस्टमर का UPI ID बैन यानी कि परमानेंटली डीएक्टिवेट करने से पहले वो उस ग्राहक को ईमेल के जरिए या फिर SMS के जरिए सूचना जरूर प्रदान करें। सूचना देने के बाद ही उनका जो UPI ID है उनको डीएक्टिवेट करें। तो भाई, उतना दिनों का इंतजार क्यों करना, मैं आप लोग को अभी ये जरूरी सूचना दे रहा हूं, तो आप लोग अपने UPI ID के थ्रू सिंगल ट्रांजेक्शन कर लीजिए अगर अभी तक आपने नहीं किया हो। अब आप लोग के दिमाग में एक चीज जरूर आया कि भाई NPCI ऐसा क्यों कर रही है, तो देखिए इससे बहुत सारे फ्रॉड और गलत ट्रांजेक्शन भी हो रहे थे, तो इसी के मद्देनजर NPCI ने ये फैसला किया है। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल देके समझाता हूँ। मान लीजिए आपने किसी मोबाइल नंबर के थ्रू अपना UPI ID बनाया, इसके बाद फिर एक साल दो साल यूज करने के बाद या फिर 5-6 महीने यूज करने के बाद आपने अपना मोबाइल नंबर चेंज कर दिया और पर्टिकुलर उस थर्ड पार्टी UPI एप्लीकेशन में आपने वो मोबाइल नंबर जो है जिसके थ्रू आपने पिछला वाला UPI ID बनाया था वो आपने डीएक्टिवेट नहीं किया, वो फिर भी रनिंग स्थिति में है, और इसके बाद जब कोई दूसरा कस्टमर उस मोबाइल नंबर को लेता है, इसके बाद फिर वो जो आपका पुराना वाला UPI ID है वो अपने आप ही एक्टिवेट रहता है, तो वहां पे उस स्थिति में काफी सारे गलत ट्रांजेक्शन भी हो रहे थे, इसके साथ ही फ्रॉड ट्रांजेक्शन भी हो रहे थे। तो इसी सब को देखते हुए NPCI ने फैसला किया है कि पिछले एक साल के अंदर जिस किसी भी UPI ID के थ्रू कोई भी ट्रांजेक्शन, एक सिंगल ट्रांजेक्शन भी नहीं हुआ, तो उन ट्रांजेक्शन को यानी कि सॉरी उन UPI ID को पूरी तरीके से 31 दिसंबर 2023 तक परमानेंटली डीएक्टिवेट कर दिया जाए। सो फ्रेंड्स, आज की वीडियो में बस इतना। अगर आप लोग को वीडियो पसंद आए तो वीडियो को आप लोग एक लाइक एटलीस्ट जरूर कर देना, बहुत ही इंपॉर्टेंट खबर मैंने आप लोग को दी है, तो वीडियो को एक लाइक तो बनता ही है, साथ ही अपने सभी फ्रेंड्स साथ ये वीडियो जरूर सर्कुलेट कर देना, यानी कि शेयर जरूर कर देना, ताकि सभी लोगों तक ये इंपॉर्टेंट जानकारी पहुंच सके। इसके अतिरिक्त आप लोग चैनल पर नए हो, इस तरह के बैंकिंग अपडेट के लिए प्लीज हमारे चैनल टेक्नो बैंक को आप जरूर सब्सक्राइब करिए, साथ ही बेल आइकन जरूर प्रेस करिए, ताकि हमारे आने वाले नेक्स्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोग को मिलती रहे। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।